खबर सुहावल तहसील अयोध्या से ग्राम सभा भानियापुर बैदरपुर की है। पीड़ित का आरोप है कि पत्रावली गाटा संख्या 78 जो लगभग 3 बीघा जमीन है, जो बैनामा सन 1974 में 10,000 रुपये में हुआ था, वह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस पर विपक्षी दल मनीष कुमार, अश्विनी कुमार, ब्रजेश नीलम ने बताया कि मृतक के ऊपर मुकदमा 2013 में दर्ज किया, जबकि मृतक 2012 में मृत हो चुका था। कानूनगो लेखपाल मृतक की मौजूदगी में पुष्टि कर कुर्रा बंटवारा किया, जबकि पीड़ित का खतौनी में नाम दर्ज है। कंप्यूटर कृत इसके बाद ही दबंगों द्वारा पीड़ित के 3 बीघे जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। थे लखनऊ और यहाँ पर हमारे खेत का बवाल है और हम लखनऊ गए थे, तो यहाँ पर लेखपाल और कानून को दो सिपाही आए थे और इन्होंने हमारे पिताजी 30/6/2012 में ख़त्म हो गए और इन्होंने नेपाल ने उनको पाल्टी बनवा कर और हमारे खेत पर इन्होंने कर्रा बंटवारा बनवा दिया है और ना हमारे मृतक हो गए थे तो फिर संबंध शामिल कैसे हुए? मृतक हो गए थे ना, हमको रजिस्ट्री मिली ना कुछ मिला, हमको कुछ मिला नहीं। और जब हमको जानकारी हुई तो हम भाग दौड़ करने लगे। उस दिन नेपाल आए थे तो हमारी बीवी को नेपाल ने और कानूनगों ने गाली दी, उसके बाद साड़ी पकड़ के खाए चली गया और माता जी हमारी थी वो बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद हम जब यहाँ पर आए तो हमारी औरत ने हमसे बताने लगी। तो खतौनी आपके नाम खारिज दाखिल है ना? हाँ, खतौनी सर हमारे नाम, हमारी माता के नाम और हमारे भाई के नाम और हमारे नाम खतौनी दाखिल है। जब खारिज दाखिल है तो कैसे कब्जा करवा रहे हैं? अब पता नहीं सर, ना हमको नोटिस मिल दिया ना कुछ ना दिया और उसके बाद में मुर्दा की उस पर कहीं मुकदमा चला लड़ा जाता है। अरे नोटिस हमको मिलती तो हम स्वयं जाते अदालत पर, और हमको नोटिस नहीं मिली तो हम नहीं गए। जब जानकारी हुई तो हमने भाग दौड़ करने लगा। हाँ, क्या बोले तहसीलदार और वो क्या नाम है एसडीएम और लेखपाल? एसडीएम ने बोला कि हम जब एसडीएम साहब से मिले तो एसडीएम साहब ने कहा कि मैंने लिखित नहीं दिया है। हाँ, उसके बाद में हम जब आए तो यहाँ पर हमारी धान लगा है उसमें और हमारी धान खेती नष्ट कर रहे हैं इन सब लोगों ने। और उसके बाद अच्छी है उनकी है, अरे अश्विनी कुमार, मनीष कुमार और उनके बहनोई हैं, बहनोई के नाम है ब्रजेश कुमार, रहने वाले हैं सायपुर के। हाँ, देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।